So hello friends, today we are starting with one of the most important areas in auditing, that is company audit. बहुत ज़्यादा important area है, exams के purpose के लिए बहुत ज़्यादा important है, हमारे real life के purpose के लिए बहुत ज़्यादा important है. तो company audit में again, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि class के अंदर मेरे दो golden rules रहते हैं, one is the content and one is the presentation. कंटेंट के लिए कॉन्सेप्ट में काम करेंगे और साथ में याद कैसे रखना है उसमें काम करेंगे. एंड अनदर इज द प्रेजेंटेशन. तो दोनों चीज़ों में हम कंपनी ऑडिट में भी काम करने वाले हैं. सो बहुत ही लॉजिकल एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया ऑडिटर कौन होने वाला है, हु इज़ गोइंग टू बी अपॉइंटेड, हाउ इज गोइंग टू गेट अपॉइंटेड, what are the qualifications, what are the disqualifications, what are his rights, what are his duties, right, how can he be removed. तो काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स हम लोग छोटे छोटे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो कंपनी ऑडिट का पार्ट है ना, ये कवर्ड है चैप्टर नंबर 10 के अंदर. चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 139 से लेकर 148. सर जी चैप्टर नंबर 10 क्या हो गया ये? सेक्शन 139 से लेकर 148 चैप्टर नंबर क्या हो गया ये? ये चैप्टर है कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर. कंपनीज एक्ट का, जी हाँ, कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर नंबर्स होते हैं. तो ये जो चैप्टर है ये है कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर, कि कंपनी ऑडिट चैप्टर नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कवर्ड है, जिसके अंदर सेक्शन 139 से लेकर 148 है. यानी अगर मैंने 139 से लेकर 148 कंप्लीटली स्टडी कर लिया तो इसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ, राइट. नाउ ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, मैंने क्या बताया था, ये इसमें हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिमूवल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिसक्वालिफिकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. अगेन इस चैप्टर को हमें रीड करना होता है विथ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014. बिकॉज आपको पता होगा कि न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ रूल्स. तो हमें इस चैप्टर को रीड करना होगा विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014. अब ये छोटा सा स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है वो कितने काम की चीज है अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट के बाद, राइट. ओके, नाउ सेक्शन 139 से 148 सबसे पहले देखेंगे सेक्शन नंबर्स को कैसे याद रखना है, फिर एक एक सेक्शन में अपन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे एंड अपन लर्निंग टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, राइट. सो चैप्टर का नाम क्या था सर? चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? लॉजिकल से चीज है, ऑडिटर की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं सर जी? अपॉइंटमेंट की बात करने वाले हैं. बिल्कुल सही बात है. तो सेक्शन 139 में हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. क्या डिस्कस करेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अपॉइंटमेंट? रिमूवल. बिल्कुल सही कहा आपने, यानी 140 में हम लोग डिस्कस करेंगे रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. क्या डिस्कस करेंगे? रिमूवल डिस्कस करेंगे एंड रेजिग्नेशन डिस्कस करेंगे. 139 में हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट एंड 140 में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. तो अब सवाल उठा, सर जी ऑडिटर को रिमूव क्यों किया गया? वाई 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 वाई? उसको रिमूव इसीलिए किया गया बिकॉज ही इज डिसक्वालिफाइड. यानी कि 141 में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डिसक्वालिफिकेशन. द फुल नेम ऑफ द सेक्शन इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस. तो सबसे पहले हमने 139 में किसकी बात करी? अपॉइंटमेंट की बात करी. अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? रिमूवल. यानी 140 में हमने किसकी बात करी? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन की बात करी. फिर आपने मुझसे पूछा सर रिमूवल क्यों? मैंने बोला क्योंकि वो डिसक्वालिफाइड हो गया. यानी 141 में किसकी बात करेंगे? एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस की बात करेंगे. बिल्कुल सही बात है. अब मान के चलें
I am not disqualified, I am eligible to be appointed, I am qualified to be appointed and I am not disqualified. अब सोच के देखो, सबसे पहले आप organization में जब जाओगे, you are eligible to be appointed, आप किस चीज की बात बोलोगे, किस चीज की बात करोगे, आप बोलोगे सर money की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, remuneration की बात करेंगे, यानी 142 talks about remuneration of auditors. तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी सर जी, 139 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट रिमूवल, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. रिमूवल बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यानी 141 इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस, बट आई एम एलिजिबल, आई एम क्वालिफाइड, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमुनरेशन. 142 इज द रेमुनरेशन. अब घर जाके अपने रेमुनरेशन की बात करना, जाके बोलना मॉम मेरे को 20,000 रुपए पॉकेट में नहीं चाहिए. जब भी आप रेमुनरेशन की बात करोगे तब तब आपको आपके सारे राइट्स एंड ड्यूटीज याद दिला दी जाएंगी. सही कहा ना मैंने? जी हां. तो 143 क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज. 143 इज राइट्स एंड ड्यूटीज. ओके, तो क्या बोला मैंने सर जी, सबसे पहले अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट रिमूवल, removal because of disqualification, but I am eligible, I am qualified, I am not disqualified. So 142 my remuneration, and when I talk about remuneration I have my rights and duties. 143 rights and duties. अब ध्यान से सुनना, ड्यूटीज करते 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 सडनली कुछ ऐसा होता है, सडनली कुछ ऐसा होता है कि ऑडिटर को एड्स हो जाती है. क्या हो जाती है? एड्स हो जाती है. अब सर जी अपने सोच को काबू में रखो, गलत मत सोचो. एड्स यानी कुछ और है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग पूरा 144 डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखना 144 में क्या हो जाती है, हमें एड्स हो जाती है. बिल्कुल सही बात है. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला 139 आई एम टॉकिंग अबाउट माई अपॉइंटमेंट. ऑपोजिट ऑफ अपॉइंटमेंट 140 आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिमूवल एंड रेजिग्नेशन. 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस. 142 रेमुनरेशन. 143 राइट्स एंड ड्यूटीज. एंड 144 एड्स. ये कोड है, एक सीक्रेट है जो बाद में डिस्कस करेंगे. अब ऑडिटर को एड्स हो गया, मरने वाला है. इंसान मरने से पहले क्या सोचता है? मरने से पहले वो सोचता है कि अपने सारे पेंडिंग काम को खत्म कर लिया जाए. क्या सोचता है? अपने सारे पेंडिंग काम को खत्म कर लिया जाए. तो मरने से पहले ऑडिटर क्या सोच रहा है? अपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर लूं. तो 145 क्या है? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. उसने रिपोर्ट साइन कर लिया, अब वो क्या सोच रहा है? फाइनली लास्ट टाइम अपने मेंबर से एक बार मिल लूं. कहां मिलूंगा? एजीएम में, यानी अटेंड द AGM, attend the AGM annual general meeting. तो 146 क्या होगा? Attend AGM, the right of the auditor to attend the general meeting. And उसके बाद दो sections हैं, अलग sections अपने आप में. 147 is the penalty for the chapter and 148 is cost audit. Right. तो क्या सीक्वेंस बना? अब मेरा रिक्वेस्ट है उन सारे स्टूडेंट्स से जो वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, आप प्लीज एक काम करो, एक काम करो, आपने कॉपी पेस्ट तो किया होगा साथ साथ, बट अब क्या करोगे, अब बिना देखे अब वीडियो को पोस्ट करोगे और बिना देखे आप ये पूरा चार्ट फिर से लिखोगे. बिल्कुल लिखोगे, हर कोई लिखेगा, बिना देखे लिखोगे, लिखोगे और रिकॉल करोगे. अच्छा अच्छा 139 में सर ने अपॉइंटमेंट बताया था, ओके. सर ने रिमूवल बताया था, 140 रिमूवल. सर ने बताया था बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन. अपने आपसे बात करोगे, पूरे इस लिस्ट को लिखोगे और फिर वापस क्या करोगे, वीडियो रेज्यूम करोगे. क्लियर है? ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शंस वन बाय वन. सबसे पहले हमने बात करी सेक्शन 139. क्या बात करी हमने? 139. अब इफ आई टॉक अबाउट 139, तो 139 में हम अलग अलग चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में भी हम अलग अलग चीजें डिस्कस करने वाले हैं. इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हु आर गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑडिटर्स
एंड हु आर गोइंग टू बी द सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स. तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट. एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. यानी कि 139 में हम चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड फाइनली हम लोग रोटेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं. राइट. सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट की. अब क्लास स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, आपको मैं यहां पे नहीं पढ़ाने वाला, आप खुद से पढ़ने वाले हो. खुद से पढ़ने वाले हो मतलब जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज आप मेरे सामने नहीं हो, फेस टू फेस नहीं है ये, लेकिन अपने को वीडियो को भी फेस टू फेस जितना इफेक्टिव बनाना है. तो आप क्या करोगे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पोज करोगे और उस आंसर को अपने माइंड में सोचोगे, सर ने जो क्वेश्चन पूछा है इसका क्या आंसर होना चाहिए, और फिर वीडियो को रेज्यूम करोगे और देखोगे जो मैंने आंसर बताया है वो आपके थिंकिंग से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. राइट. ओके. सो सबसे पहले हम किस चीज की बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. एंड उसमें भी हम किसकी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्मल कंपनीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. हम नॉर्मल कंपनीज की बात करने वाले हैं और नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करने वाले हैं. राइट. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फर्स्ट ऑडिटर्स कौन होंगे, और फिर हमें डिस्कस करना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कौन होंगे. हु आर गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑडिटर्स एंड हु आर गोइंग टू बी द सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स. बिल्कुल सही बात है. अब लॉजिकली आप सोचो और आप मुझे बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ कि जो कंपनी होती है, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, द ओनर्स ऑफ द कंपनी. आपने बोला सर जी शेयर होल्डर्स. बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर्स. और कंपनी को ओनर्स के बिहाफ में कौन मैनेज करता है, तो आपने मुझे बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपने मुझे बोला शेयर होल्डर्स, आपने मुझे बोला मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके. तो अब आप मुझको बताओ, ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का पावर किसके पास होना चाहिए. आप बोलोगे सर जी लॉजिकल सी चीज है ना, कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स. कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स. तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का पावर किसके पास होना चाहिए, शेयर होल्डर्स के पास होना चाहिए. तो ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे. बिल्कुल सही बात है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे. लेकिन अब आप मुझे बताओ, शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स को कौन से वाले डे अपॉइंट करेंगे. आप मुझे बोलोगे सर एनुअल जनरल मीटिंग के दिन अपॉइंट करेंगे. कब करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग के दिन अपॉइंट करेंगे. तो बिल्कुल सही बात है. मैंने आपसे पूछा कि ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेंगे, आपने बोला शेयर होल्डर्स. कौन से दिन अपॉइंट करेंगे, आपने मुझे बोला एनुअल जनरल मीटिंग. और कैसे अपॉइंट करेंगे, बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी कि जब सिर्फ 50% लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, सिर्फ 50% लोगों का. अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सर जी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन प्रोवाइड कब पास करना है, आप प्लीज एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दो. सो अगेन आपको मैं एक लॉजिक बताने वाला हूं जिससे 90% ऑफ द एरियाज में आप खुद बता पाओगे कि कब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है, कब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है. तो आपने मुझे बोला सर जी मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे. अब अगर मैं आपसे कहूं आईपीसीसी में आपके पास सेक्शन 96 है कंपनीज एक्ट का, जो कहता है कि जो फर्स्ट एजीएम है वो फर्स्ट एजीएम जो है वो कब कंडक्ट होगा और जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो कब कंडक्ट होगा. और वहां पे लिखा हुआ है
कि जो फर्स्ट एजीएम है वो कंडक्ट होगा विद इन 9 months फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो सब्सिक्वेंट एजीएम है विद इन 6 months ऑफ द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो क्या लिखा हुआ है वहां पे, जो फर्स्ट एजीएम कंडक्ट होगा वो होगा विद इन 9 months फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो सब्सिक्वेंट होगा 6 months फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर. यानी कि अब एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, हमने बोला फर्स्ट ऑडिटर्स, यानी कंपनी की अभी अभी इनकॉर्पोरेशन हुई है, हम फर्स्ट एजीएम की बात कर रहे हैं. अभी फर्स्ट एजीएम होने में तो बहुत टाइम है सर जी, विद इन 9 months फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रैक्टिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 31 दिसंबर. अभी तो बहुत टाइम है, 31 दिसंबर को बहुत टाइम है. क्या करें क्या करें क्या करें? आपने बोला सर जी मैं बताता हूं, एक काम किया जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कन्वे की जाए और मेंबर्स को बोला जाए भाई अपॉइंट कर. बात तो सही है, आई एग्री विथ यू, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, आप खुद लॉजिकली सोच के देखो कि आपने एक एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग सिर्फ ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए कन्वे करें, बुलाएं, एंड जितना ऑडिटर का रेमुनरेशन नहीं होगा पता चलेगा ईजीएम को बुलाने का खर्चा उससे ज्यादा आ गया. लॉजिकल नहीं है ना? बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल नहीं है. तो क्या किया जाए? अब आपने बोला सर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं. क्यों ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल दिया जाए भाई तू फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लो. बात तो सही है, सही बोल रहे हो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला तो जा सकता है फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लो. लेकिन सर प्रॉब्लम है ना, आपने बोला ऑडिटर्स तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, क्या करें फिर? तो लॉजिकली क्यों ना मैं ऐसा बोलूं, फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंट तो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उनका टेन्योर होगा ओनली टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. क्या बोला मैंने, क्यों ना हम ऐसा करें कि फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट तो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन उनका जो टेन्योर होगा वो कब तक होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. और फर्स्ट एजीएम में कौन अपॉइंट कर लेंगे? मेंबर्स. सिंपल सी चीज है. तो इसी लॉजिक के साथ लॉ मेकर ने यहां पर कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बोला फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. And if the board of directors fails to appoint, तो हमने बोला appointment हो जाएगा in next 60 days. आप क्या करो, एक next 60 days में आप एक ईजीएम बुला लो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लो, और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे. या फिर 30 + 60 कितना होता है? 90. तो 90 डेज में आप क्या करो, 90 डेज के अंदर आपको अपॉइंट करना है. नेक्स्ट 60 डेज में आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला लो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाकर आप क्या कर लो, अपॉइंट कर लो. या फिर इन अदर वर्ड्स, टोटल 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, टोटल 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पीरियड में आप क्या कर लो, अपॉइंट कर लो. बहुत लॉजिकल सी चीज है. हमने क्या बोला भैया, फर्स्ट ऑडिटर्स. एजीएम में तो बहुत टाइम है, अभी उतना वेट नहीं कर सकते. बोर्ड को बोला भाई तू अपॉइंट कर ले, फर्स्ट ऑडिटर्स को तू अपॉइंट कर ले. उसका टेन्योर कब तक वैलिड होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. लेकिन इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट विद इन 30 डेज, हमने बोला नेक्स्ट 60 डेज में ईजीएम बुलाने का, मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे. या फिर टोटल 90 डेज में ईजीएम बुलाने का, मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज. अब आप देखना, देखते हैं कि इस चीज को बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज लॉ मेकर की वो कैसे लिखी हुई है. यहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर्स ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर्स ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच मेंबर्स, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स हु शैल विद इन 90 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट सच ऑडिटर. अब यहां पर आप देखोगे कि इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि 90 डेज कितनी होती है, 90 डेज कहां से होती है. 90 डेज फ्रॉम इज साइलेंट. लॉ में क्या लिखा है
वापस से रीड करना. इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल विद इन 90 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अपॉइंट सच ऑडिटर्स. अब 90 डेज कब से, यहां पे क्लैरिफाई नहीं किया हुआ. दिस इज 90 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन. इन अदर वर्ड्स, दिस इज द नेक्स्ट 60 डेज दैट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज. फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. सच ऑडिटर्स शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. अब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करने वाले हैं मेंबर्स को, ऑडिटर्स को मेंबर्स अपॉइंट करने वाले हैं. सब्सिक्वेंटली हर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करने वाला है, मेंबर्स अपॉइंट करने वाले हैं. यानी आपने मुझे जवाब दे दिया कि फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा. तो नाउ लेट अस मेक ए टाइमलाइन, किस तरीके से कहानी बनने वाली है, किस तरीके से कहानी चलने वाली है. मान लीजिए यह है हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज सिंप्लिसिटी के लिए 1st of January 2017. अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज within 30 days what I'm going to do, I'm going to appoint the first auditors. Who is going to appoint here? So I will say the board of directors is going to appoint the first auditors within a period of 30 days. Okay. यहाँ पे अगर members fail हो जाते हैं, यहाँ पे अगर members fail हो जाते हैं, sorry, board of directors अगर fail हो जाती है, यहाँ पे अगर board of directors fail हो जाती है, तो क्या करेंगे? Members to appoint इन नेक्स्ट 60 डेज या फिर इन टोटल 90 डेज. मैं 90 डेज यूज करूंगा बिकॉज लॉ के अंदर 90 डेज यूज किया गया है. यानी 90 डेज के अंदर तो हर हालत में अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए ही हो जानी चाहिए. यानी मार्च एंड तक तो हर हालत में क्या हो जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट हो ही जाना चाहिए. अब ये ऑडिटर अपना टेन्योर कब तक होल्ड करेगा सर जी? ये ऑडिटर अपना टेन्योर होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा आ जाता है फर्स्ट AGM. तो ये जो ऑडिटर है इसका टेन्योर क्या होने वाला है? हिज टेन्योर इज गोइंग टू बी टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. बिल्कुल सही बात है. अब फर्स्ट AGM में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट AGM के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द मेंबर्स आर गोइंग टू अपॉइंट बाय passing ordinary resolution. Okay, first AGM में members ने appoint कर लिया. अब ये जो auditor है जिसको members ने appoint किया है, इसका tenure कितने time का होगा? तो normally अपन ऐसा कहते हैं कि इसका tenure 5 years का होगा. कितना होगा? 5 years का होगा. जब मैं कह रहा हूँ 5 years का होगा, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि it will be from the conclusion of first AGM to 6th AGM. The tenure will be from the conclusion of first AGM to 6th AGM. Okay, तो सबसे पहले मैंने बोला डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया, फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दिया. इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 90 डेज में. फर्स्ट ऑडिटर AGM तक उनका टेन्योर रहेगा. फर्स्ट AGM में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, टेन्योर 5 years का रहेगा. यानी फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टू द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. जिन लोगों ने पहले कुछ रोटेशन नामक चीज पर रखा है, तो प्लीज अभी रोटेशन को साइड करना, उसको हम बाद में देखेंगे. नाउ फिर से मैंने बोला, यानी कि अब नॉर्मल प्रोसीजर क्या होने वाला है, AGM होगा और AGM में ओवरपास करेंगे और यहां पे ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेंगे. दिस इज द फर्स्ट AGM. दिस इज द
first AGM. Ab we have second year, we have third year, we have fourth year, we have fifth year, and we have sixth year. हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था that the tenure of the auditor is going to be from the conclusion of first AGM till the sixth AGM. यानी इसका tenure कब तक वैलिड रहेगा? Sixth year. यानी sixth year में क्या होने वाला है? Sixth year में होने वाला है reappointment. क्या होने वाला है? Sixth year में होने वाला है reappointment. Reappointment is going to take place at the sixth year. एंड नॉर्मली क्या होने वाला है? नॉर्मली ऐसा ही होने वाला है कि जिस बंदे का अपॉइंटमेंट पहले हुआ था वही रीअपॉइंट हो जाएगा, जिसके लिए विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट. तो नॉर्मली क्या होने वाला है? नॉर्मली द सेम पर्सन इज गोइंग टू गेट रीअपॉइंटेड अनलेस समवन एल्स इज नॉट अपॉइंटेड. अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यहां क्या होगा? यहां होगा रेक्टिफिकेशन. मैंने वर्ड यूज किया रेक्टिफिकेशन. अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या? रेक्टिफिकेशन का मतलब वी आर कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट एवरी ईयर फ्रॉम द मेंबर्स. वी आर कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट एवरी ईयर. तो कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर्स, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीअपॉइंटमेंट दैट इज गोइंग टू बी डन फाइनली इन द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. एंड देन कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम के अंदर इसका फाइनली वो होगा, एंड Finally, we'll be doing reappointment. क्या करने वाले हैं? Reappointment करने वाले हैं. So this is the normal process जो चलने वाला है. तो सबसे पहले हमने क्या बात किया? सबसे पहले हमने बोला कि सर जी, first auditors का appointment करेगा board, subsequent का करेगा members. अब जिस ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया, इसका टेन्योर कब तक होगा? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. जबकि इफ आई टॉक अबाउट द सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट डन बाय द मेंबर्स, टेन्योर कब तक वैलिड होगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम. एंड रीअपॉइंटमेंट भी कौन करने वाला है? द रीअपॉइंटमेंट इज अगेन गोइंग टू डन बाय द मेंबर्स. So this is the normal criteria for the appointment of normal companies. अब हम discuss करेंगे the appointment of auditors in case of government companies. So सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या होती है यह government company. तो government company की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये defined है section 2 clause 45 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि गवर्नमेंट कंपनी यानी वैसी कंपनी जहां पे एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ. ओके, ये होती है गवर्नमेंट कंपनी जहां पे 51% होल्डिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. 51% होल्डिंग इज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. नाउ गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो माई बाप होती है वो होती है सी ए जी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया. कौन होती है? कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर्स जनरल ऑफ इंडिया. यानी कि अब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में माई बाप कौन है? सी ए जी. यानी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करने वाली है? सी ए जी. यानी यहां पे चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सेकेंड ऑडिटर हो, चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो चाहे सेकेंड ऑडिटर हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सी ए जी ही करेगा. फर्स्ट ऑडिटर हो या सेकेंड ऑडिटर हो, कौन अपॉइंट करेगा? सी ए जी ही करेगा. बट आप लॉजिकली एक चीज बताओ मेरे को, सी ए जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अथॉरिटी है? गवर्नमेंट अथॉरिटी है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. हाँ, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा. तो फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितना टाइम दिया था? 30 days. सी ए जी को कितना टाइम देंगे? 60 days. अगर सी ए जी अपॉइंट नहीं कर पाया तो कौन अपॉइंट करेंगे? देन द अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 30 days. एंड बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 60 days. यानी वहां पे क्राइटेरिया बिल्कुल वैसे ही जाने वाला है. तो जब हमने फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करी तो फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सी ए जी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. कितने डेज में? विद इन 30 days में. यहां पे सी ए जी फेल्स तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा इन
30 डेज, सॉरी ऊपर कितना था, ऊपर था हमारा 60 डेज. एंड इफ द सी ए जी फेल्स, बोर्ड करेगा विद इन 30 डेज. एंड बीओडी फेल्स तो क्या होने वाला है, इफ द बीओडी फेल्स तो क्या होने वाला है, देन मेंबर्स इन 60 डेज. दिस इज हाउ द क्राइटेरिया इज. तो देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज. इन केस द सीएजी डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज. एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, देन इन्फॉर्म द मेंबर्स हु शैल अपॉइंट विद इन 60 डेज एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जिसका टेन्योर कब तक होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. जिसका टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम. एंड सब्सिक्वेंट के केस में यहां पे जो क्राइटेरिया है, दैट इज द सीएजी विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. कब तक होगा अपॉइंटमेंट बाय सीएजी, विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम अगेन. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 ईयर्स का टेन्योर वाला फॉर्मूला था वो नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज. जो 5 ईयर्स का जो टेन्योर वाला फॉर्मूला था दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज, राइट. सो यहां पे ये कहानी दी हुई है. सो दिस इज हाउ द अपॉइंटमेंट गोज ऑन. उससे पहले यहां पे कुछ जनरल से स्टोरी दी हुई है. जनरल से स्टोरी यानी एज पर द प्रोविजो टू 139 सबसेक्शन 1, बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर मस्ट बी टेकन. बहुत लॉजिकल सी चीज है, ऑब्वियसली चीज है कि ऑडिटर का कंसेंट लूंगा. एंड ए सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट हिज क्वालिफाइड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर. तो बहुत लॉजिकल सी चीज है. यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला कि बिफोर अपॉइंटमेंट आप दो चीजें करोगे. दो चीजें क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्टिफिकेट लोगे. सर्टिफिकेट किसके बारे में, पहला क्वालिफिकेशन के बारे में और दूसरा कंसेंट के बारे में कि उसने अपना कंसेंट दिया है कि नहीं दिया. तो सर्टिफिकेट लेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में और क्या करेंगे, कंसेंट ऑब्टेन करेंगे. फिर क्या करेंगे, इन्फॉर्म द आरओसी, इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट. तो क्या किया हमने, दूसरा इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार इन एडीटी 1. इस चैप्टर में जितने भी फॉर्म्स होंगे सारे एडीटी फॉर्म्स होंगे. एंड गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी सेम कहानी है, सिमिलर कहानी है. बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसर्न मस्ट बी टेकन, सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट इज क्वालिफाइड अंडर 141 एंड ऑल्सो फाइल ए नोटिस टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज. तो यहां पे अगेन सिमिलर स्टोरी है. तो ये डिस्कस किया हमने सेक्शन का फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. जिसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनीज और एक गवर्नमेंट कंपनीज. नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में दो सबसेक्शंस लगेंगे, 139 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6. एंड गवर्नमेंट कंपनीज में अगेन यहां पे दो सबसेक्शन है, 139 सबसेक्शन 5 एंड 139 सबसेक्शन 7, राइट. So this is the structure about the appointment of auditors in case of non-government companies and the government companies. Non-government companies के अंदर 139 subsection 1 जो बात करता है subsequent appointment के बारे में, subsection 6 जो बात करता है first auditors के appointment के बारे में. Similarly government company के केस में 139 subsection 5 जो बात करता है subsequent के बारे में and 139 subsection 7 जो बात करता है first auditors के बारे में. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लास के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट रूल होगा दैट इज द प्रेजेंटेशन रूल. सपोज एक सिंपल क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स एंड ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि देयर इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड.
यानी कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है 139 का कमेंट। अब हम इस आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखना आंसर की ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा, एक हेडिंग दी, इश्यू इन्वॉल्व, इनफैक्ट मैं एक सेपरेट पेज ले रहा हूँ। आप क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स कमेंट। तो सबसे पहले मैंने एक हेडिंग दी, इश्यू इन्वॉल्व, इसमें मैं लिख दूंगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। उसके बाद मैंने एक हेडिंग दी, लीगल प्रोविजंस, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल। इसके अंदर मैं लिखूंगा सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑब्वियसली आर कंटेन्ड इन सेक्शन 139। अगर आपको सब सेक्शन नंबर याद है, वेल एंड गुड, वरना सिर्फ 139 ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ। आपको याद है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, बिल्कुल वो वाला पार्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जैसे 139 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 6 क्या कहता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इशू इन्वॉल्व कर लिया, लीगल प्रोविजंस कर लिया, अब जो थर्ड पार्ट बनेगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी द एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं इसके लिखूंगा इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ है, एंड फाइनली मैं डालूंगा कंक्लूजन, जिसमें मैं लिखूंगा इन लाइट ऑफ अबव प्रोविजन इट्स ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 139, पेनल्टी एज गिवन अंडर सेक्शन 147 शैल बी एप्लीकेबल। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई आंसर। इस तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, अपने आंसर को प्रेजेंट करने वाला हूँ। अब इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले मैंने चार पैराग्राफ्स यूज करे, चार हेडिंग्स यूज करी। सबसे पहले इशू इन्वॉल्व, उसके बाद लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन के अंदर आई मेड सब पॉइंट्स, जिसके अंदर ऑल्सो एडवाइस का अंडरलाइन करो, आई ऑलवेज अंडरलाइन दी वर्ड्स। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, एंड फाइनली द कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन में एक तो हमने डिस्कस किया अंडरलाइनिंग, और दूसरा आपने देखा होगा किस तरीके से हमने आंसर को एक पावरफुल स्टार्ट दिया, द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन कंटेन्ड इन सेक्शन 139 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। तो हमने एक बहुत ही पावरफुल स्टार्ट दिया अपने आंसर को। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट फॉर एनी केस स्टडी क्वेश्चन। बट अगेन याद रखना, दिस इज जस्ट ए वन स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन, सिर्फ एक तरीका है प्रेजेंटेशन का। इसके अलावा क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत सारे प्रेजेंटेशन के टूल्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके डिस्कस करेंगे कि आप आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। राइट, तो सेक्शन 139 का हमने पहला पार्ट किया, द फर्स्ट पार्ट वॉज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया कि हाउ द अपॉइंटमेंट इज टू बी डन। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे 139 के अंदर, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल वैकेंसी, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सो वो चार चीजें हम जब 139 में करेंगे तब जाकर हमारा 139 कंप्लीट हो जाएगा। राइट, और सेक्शन 147 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पेनल्टी का सेक्शन है, यानी जब भी 139 लगेगा तब 147 की पेनल्टी भी लगने वाली है।